हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रे सो रही है। मैं उठ गई थी एक्चुअली 9 बजे, और मैं सोई थी रात को 2 ढाई 3 बज गए थे मुझे एडिटिंग करते करते। तो मेरी 9 बजे आँख नहीं खुली, तो मम्मा को मायरा को दे दिया, तो वो वहाँ खेली कूदी और फिर आके 11 साढ़े 11 बजे सो गई है। तो अभी 12:30 हो रहे हैं, वो सो रही है। मैं उठ गई थी, बट थोड़ी सी रूम वूम को ठीक करी थी, चीज़ें फैली हुई थी। कल का आउटफिट जो मैंने परसों का आउटफिट उसको रखा उठाकर, जो मैंने वेडिंग डे पहना था। तो आज क्या है, आज है आपकी शादी और मेरी फ्रेंड सायमा का रिसेप्शन, मतलब सायमा और मैं दोनों का। और सायमा का मेकअप आज जसमीत कर रही है, यानी कि मेरी देवरानी जैसा होता है मेकओवर। आप लोग जानते ही होंगे यार, डिटेल में बनाना बताना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं सारे रिलेशंस को लेकर। जसमीत आपकी कौन है, शाय आपकी कौन है, तो इसलिए तो जसमीत कर रही है आज उसका एंगेजमेंट का मेकअप, और मेरा भी मेकअप जसमीत ही करेगी ऑब्वियसली। वेडिंग डे पर मैंने करा था, बता देना कैसी लग रही थी। मैं बहुत जल्दी जल्दी में करा था, और हम सब तीनों साथ में रेडी होंगे, बहुत मज़ा आएगा आज। आज का ब्लॉग आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे, क्योंकि आज कोई रसम वाला काम नहीं है। शादी वाले दिन भी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, एंगेजमेंट पे भी, बट आज फुल ऑन डांस देखने को मिलेगा आपको हमारा। और हाँ, आप लोग कहते होगे कि मैं म्यूज़िक क्यों डाल देती हूँ, तो गाइस गाने चल रहे होते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मेरे को म्यूट करके म्यूज़िक डालना पड़ता है। अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैं म्यूज़िक बंद करूँ। कई लोगों को लगता होगा क्यों बंद कर दिया, तो यही वजह होती है। ओके, तो जल्दी से मायरा उठ जाए, इससे पहले पहले मैं फटाफट से अपना आउटफिट वगैरह निकाल लेती हूँ। मैं बारात वाले दिन बहुत चिल्लाई, मतलब वो जो रिबन कटिंग के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत चिल्ला चिल्ला कर मुझे पैसे मांगने पड़े थे लड़के वालों से। 51,000 ही चाहिए, तो उसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया, और मैं तो बग्गी पर चढ़कर ही डांस करने लग गई थी। चिल्ला चिल्ला के इतना चिल्लाई ना मैं, कि मेरा गला जो ठीक हुआ था वापस उस जगह पर ही आ गया। आज भी चिल्लाऊंगी, बहुत चिल्लाऊंगी। साइमा आ गई है, और मायरा इधर देख, मायरा का ये हो रहा है कि सब बिजी हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूं। ने बोल दिया है 11,000, तो 11,000 करो करो मेकअप। कैसे लगाई जी? मैंने कहा चलो ठीक है, डील डन डील डन डील डन देते हो। डील डन डील डन करी, मैं कहते वो तो जरा इस बच्चे को भी देख लो, मेकअप भी कर लिया है और अब खा रही है मिठाई डब्बा खोल के खुद। मायरा इधर देखो कि क्या बाल बनाए तेरे नाम वाले, और यहाँ पे भी ज्वेलरी देखी जा रही है। देखो, देखो। ब्लूपर। हम रील्स बना रहे हैं अपने अपने स्कर्ट्स के साथ, वो आप लोगों को दिखेगी इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो। माय गॉड, 75K in 2 hours, स्पाइस। गाइस, हमने मंगाया है पास्ता जो कि बहुत लेट आया है, बहुत लेट। अरे ये पास्ता लविस्टा कैसे खाती है मायरा, एक बार दिखाना। अच्छा, रोटी नहीं खाती है ये ऐसे। जब खत्म हो जाता है तो पकड़ा देती है। खा लो खा लो, और खा लो। क्या खा रहे हो मायरा, पास्ता क्या खा रहे हो? गाइज, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और ये मैं बहुत अर्जेंटली मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँ, बिकॉज मैं आप लोगों से बोलता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है कलर बार का कॉफ़ी मास्क, और मैंने आप लोगों से बोला था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इस टाइम पर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इस टाइम पर ऑफर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं पर्पल पे, क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से। तो मैं अभी इसको लगा लेती हूँ, और ये है कलर बार का कॉफ़ी मास्क। तो गाइज, ये आफ्टर 10 मिनट्स मेरे फेस पे एकदम अच्छे से सूख गया, और मेरे से बोल नहीं जा रहा था। जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद होता है ना, वैसे ही मेरे को फीलिंग आ रही है, बिल्कुल सूख गया है, और मैं इसको फटाफट से वॉश करके आती हूँ। तो गाइज, मैंने कॉफ़ी मास्क को अच्छे से वॉश कर लिया है, नॉर्मल पानी से वॉश करा है, मैंने कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करा है। रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे बिफोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट। तो अब थोड़ा सा मेरी स्किन को इसने हल्का सा, मतलब मैंने मास्क लगाया, तो अगर आप उसके बाद कोई सीरम या फिर ऑयल या फिर कोई शीट मास्क अप्लाई करो तो बहुत अच्छा है। मैं शीट मास्क कभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ कर रही हूँ पर्पल का नेक्स्ट स्किन
स्किन रेडियंस सीरम विद मलबेरी एंड विट्री ऑयल, क्योंकि मास्क को ना थोड़ा सा रखना पड़ता है 15 मिनट, और अगर आप जल्दी में हैं तो आप ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि मैं हूँ। और लास्ट मैं अभी कर रही हूँ पर्पल की अप्लाई लिप बाम, बिकॉज अभी मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों से बोरलिन अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा फटे हैं तो, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छी है पर्पल की लिप बाम। सो या आई होप आप लोगों को ये छोटा मोटा सा टेनी मेनी सा स्किन केयर पसंद आया होगा, स्पेशली विंटर्स आप कर सकते हैं, और दिन में भी कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप पर्पल से कर सकते हैं, पर्पल पे भी चल रही है गाइज। ये जो क्रिसमस का ऑफर था ये एक्सटेंड हो गया है आपका न्यू ईयर तक, तो मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप अप टू 50% का ऑफ है, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे दिया हुआ अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे जो कि है GET100 ऑन पर्पल। सो या गाइज जाइए जल्दी जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए, बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं अभी सारे ब्रांड्स पे। ब्राइड स्टार्ट हो गई है, रेडी होना, और अब फाइनल लुक दिखाएंगे आपको जब रेडी हो जाएंगी। बाकी फुल ट्यूटोरियल भी आएगा सायमा के खुद के चैनल पे, आप लोग देख लेना अच्छे से, और जल्दी जल्दी बुक कर लेना जसमीत को। बहुत लोग प्राइस पूछते हैं तो एक बार तू बता दे ब्राइडल क्या ब्राइड का क्या प्राइस है तेरा? 40,000 फॉर ब्राइडल मेकअप, यही का डेली का, अगर रिसेप्शन या एंगेजमेंट है तो 30,000। और ये भी बता दे कि अगर ये सिर्फ दिल्ली के चार्जेस हैं, अगर आउटस्टेशन है तो फिर चार्जेस सारे चार्जेस में 10,000 एक्स्ट्रा लगा दो। तो अब मैंने सबको बता दिया है, ठीक है यार, यहाँ पे दो तीन ब्राइड्स कर लेती हूँ। तो हेयर स्टाइलिस्ट आ गए और वो अपनी सारी चीजों को निकाल के सबसे पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तक सायमा का मेकअप हो रहा है, तब तक चुमड़ा बना दिया था मुझे उसने इमरान ने, चुमड़ी लग रही थी। तो जब तक मेरा हेयर स्टाइल हो रहा है मायरा का है, देखो भैया आपको ही देख रही है कौन है क्या कर रहे हो। नहीं नहीं आ रही थी आपको, इसको देखिए जसमीत इनका कैसे देख रही है। आ गई आंटी का भी हेयर स्टाइल यहीं पर ही हो रहा है, हट जाओ तो मर जाओ। गाइस मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है, कैसी लग रही है? गाइस हम यहाँ वेन्यू पे पहुंच गए हैं और मायरा को देखो, मायरा से आए, मायरा को पकड़ी है तूने? हाँ पकड़ा हुआ है। ट्वेल करके दिखा, ये भी आ जाए तो कोई दिक्कत। और कर आ गया थोड़ी सी, बैक दिखा हेयर, नाइस। We'll be right back.
ओए मायरा कहेंगे। अच्छा मायरा सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो बोलो हाय हाय कर दो, हाय हाय ऐसे कर दो। हमने खाना खा के अब हम खा रहे हैं मीठा, और मीठे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लाइक मतलब मैं शूट भी करूँगी ना तो आधी चीज़ें मुझे लग रहा है रह जाएंगी, इतना कुछ है। ये देखो जी अपने हैं ये गुलाब जामुन गर्मा गर्म, ये हमारा हो गया मूंग की दाल का हलवा, ये तो मीठा नहीं है, उस साइड भी मीठा लगा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, चलो खाना तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। नॉर्मली खाना जो भी होता है सब कुछ है, मतलब राजमा चावल हो गया, साग हो गया आपका सरसों का, सब कुछ है। और यहाँ पे भी मीठे में बहुत कुछ है। ये देखो अभी तो काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे काजू कतली भी थी ना, फिनिश हो गई है वो। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल केक। ओके हम घर आ गए हैं। अभी अभी जस्ट पहुंची हूँ, मैंने इसमें ब्लॉग एंड कर दिया बिकॉज सर बहुत ज़्यादा डर कर रहा है, आज भी बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है, बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है। सो यार आई होप आप लोगों ने आज को ब्लॉग इंजॉय करा होगा, मज़ा आया होगा। और मैं कैसी लग रही प्लीज़ बता देना, आज मैं अच्छे से फुर्सत से रेडी हुई थी आज के लोग के लिए। सो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इंजॉय करा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यार मिलती हूँ आपसे भी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के सबसे मुश्किल जो काम है जिसमें दीपू मेरा साथ देते हैं, मेरे बाल खोलना। मैं बाल बांध तो लिए और अब उनको खोलना, मेकअप कर तो लिया बट उसको रिमूव करना सीख लो आप।